हेलो एंड वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी सेक्शन 108। आईपीसी सेक्शन 108 बताता है एबिटर के बारे में, यानी दुष्प्रेरक। ठीक है, ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 अबेटमेंट के बारे में डील करता है। ठीक है, इसमें सेक्शन 107 से लेकर सेक्शन 120 तक दी हुई है। आज बात करेंगे एबिटर के बारे में, दुष्प्रेरक के बारे में। तो दुष्प्रेरक कौन होता है? तो सामान्यतः सीधी सी भाषा में, साधारण भाषा में, जो भी किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक कहा जाएगा। ठीक है, दुष्प्रेरक किसे कहा जाएगा? जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण हम सेक्शन 107 में समझ चुके हैं कि दुष्प्रेरण जो है वो किस तरह से हो सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, और उसे करने वाला व्यक्ति जो होगा वो कहा जाएगा दुष्प्रेरक। ठीक है, तो सेक्शन बताती है कि जो भी व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह दुष्प्रेरक होता है। ठीक है, या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है कि जो भी किसी विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति, यानी कि लॉ के द्वारा कैपेबल है उस अपराध को करने के लिए, और उसका आशय, उसकी इंटेंशन या उसकी नॉलेज वही है जो कि दुष्प्रेरक की है। ठीक है, जो दुष्प्रेरक की इंटेंशन है या दुष्प्रेरक की नॉलेज है वो ही उसकी है। ठीक है, किसकी? जो लीगली कैपेबल है उसको करने के लिए। ये सेक्शन 108 में बताया गया है। इस सेक्शन में पांच एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन में कुछ इलिस्ट्रेशन भी दिए गए हैं। इस सेक्शन से जितने भी एक्सप्लेनेशन है या उनमें जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, हरेक कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर भी उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आईपीसी आती है, चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे वो मेन एग्जाम हो, किसी भी तरह का हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि किसी कार्य का अवैध लोप करना दुष्प्रेरण होगा। किसी भी कार्य का अवैध लोप करना दुष्प्रेरण होगा, चाहे जो उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरण करने वाला है, जो एबिटर है, उसने खुद न किया हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है कि किसी कार्य का अवैध लोप यानी इल्लीगल ओमिशन जो है, किसी कार्य का अवैध लोप दुष्प्रेरण होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है कि किसी कार्य का अवैध लोप भी दुष्प्रेरण होगा। कैसे? मैंने जब 107 डिस्कस की थी तो उसी में एक एग्जाम्पल लिया था, अमिताभ जो कि एक घर का मालिक है और उसके उसके जो है घर में एक नौकर है रमेश। ठीक है, तो यहां रमेश जो है एक कार्य जो उसके द्वारा करना चाहिए वह उसका लोभ करता है। जैसे उसे मेन गेट बंद कर देना चाहिए रात में, उसका लोक उसको लगाना है तो उसको वो नहीं लगाता है। यहां क्या रमेश ने क्या करा? दुष्प्रेरण किया। किस तरह का? उनकी हेल्प की, उनकी सहायता की, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण करा। जो इसके जो दोस्त हैं ए बी सी जो इसके घर चोरी करना चाहते हैं, उनकी सहायता की और सहायता के द्वारा अबेटमेंट किया। ठीक है, अबेटमेंट बाय एड।
तो हेल्प दीन को गेट का ताला ना लगाकर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वन है वो ये कहता है कि अवैध लोग, और चाहे इसने वो कार्य श्रम खुद ना किया हो, चाहे उसने ये कार्य का लोप जो है श्रम में ना किया हो, जैसे जैसे रमेश की एक मान लीजिए कोई वाइफ है रमेश की एक्स, और एक्स रोज यहाँ लोक लगाती है इस गेट का, लेकिन रमेश ने जो है इसको मना कर दिया कि छोड़ आज मत लगा इसका लोक, ठीक है। तो ये लोक नहीं लगाती है, तो रमेश ने खुद तो नहीं किया वो कार्य का लोक, लेकिन अपनी पत्नी के जरिए करवा दिया, ठीक है। तो यह जरूरी नहीं है कि उसने जो ओमिशन है, इलीगल ओमिशन जो किया है वह अपने आप ही किया हो, चाहे दूसरे से करवाया भी हो, तब भी उसको जो है दुष्प्रेरक माना जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन वन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाना जरूरी नहीं है। जो दुष्प्रेरित कार्य है, ठीक है ना, उसका किया जाना आवश्यक नहीं, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी एक्सप्लेनेशन टू में कि दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना जरूरी नहीं, और दूसरी चीज है कि जो वो अपेक्षा करता है, जो अपेक्षित प्रभाव जो डालना चाहता है वह भी जरूरी नहीं है कि पूरा डला हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है, और अपेक्षित जो प्रभाव है वह जरूरी नहीं है, ठीक है। जो प्रभाव वह दुष्प्रेरक जो चाहता है वह पूरा प्रभाव, पूरा इफेक्ट पड़ा हो वह भी जरूरी नहीं है। इसके दो इलिस्ट्रेशन है, इसमें दो इलिस्ट्रेशन है, कि जैसे पहला इलिस्ट्रेशन, पहला जो है ए, वो कहता है कि ए जो है वो बी को उकसाता है सी का मर्डर करने के लिए, सी का मर्डर करने के लिए यहां जो है उकसाता है ए बी को। बी ने मना कर दिया कि वो सी का मर्डर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां जो दुष्प्रेरित कार्य है, जिस कार्य के लिए उकसाया है ए ने बी को, वो नहीं हुआ है, लेकिन यहां फिर भी ए जो है हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी होगा, ठीक है। अबेटर माना जाएगा मर्डर के लिए। तो पहली चीज यहां एक नियम निकल के आता है इससे, एक्सप्लेनेशन टू से, कि और बी, यहां बी ने क्या किया, कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। तो ये दुष्प्रेरित कार्य का होना जरूरी नहीं है, ये दोषी होगा ये दोषी नहीं होगा, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन ए में ये है। इलिस्ट्रेशन बी में इसके बारे में दिया गया है कि अपेक्षित प्रभाव जो है वो जरूरी नहीं है। मान लीजिए ए है, ये बी इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, इलिस्ट्रेशन बी की, कि एक ए है बी को उकसाता है, बी को उत्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरित करता है सी की हत्या करने के लिए, ठीक है। सी की हत्या करने के लिए ये जो है इसको उकसाता है, तो बी ने इसको जो है छुरा घोप दिया, जिससे सी को गंभीर चोट आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चोट से उभर गया, रिकवरी हो गई उसकी, और वह जो है ठीक हो गया सी, ठीक है। तो यहां बी ने इसको चोट पहुंचाई मारने के लिए, तो बी जो है यहां दोषी होगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, ठीक है। और ए दोषी होगा
मर्डर का, मर्डर के दुष्परिणाम का, ठीक है। तो यहां ये नियम निकल के आता है कि उत्प्रेरक यानी कि एबिटर और जिसने वो कार्य अपराध किया है वह दोनों अलग अलग ऑफेंस के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया है यहां कि ये हो सकता है कि वह किसी और अपराध के लिए और जो जिसने अपराध किया है वह किसी और अपराध के लिए दोषी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन तीन पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन थ्री कहता है कि जो जिसको उत्प्रेरित किया जा रहा है, जिसको दुष्प्रेरित किया जा रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि विधि विधिक रूप से समर्थ हो, विधिक रूप से समर्थ हो, लीगली रूप से वो कैपेबल हो उस अपराध करने के लिए, ठीक है। कैपेबल हो जरूरी नहीं है, लीगली रूप से कैपेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको दुष्प्रेरित किया जा रहा है यदि वह विधिक रूप से कैपेबल नहीं है तो भी दुष्प्रेरण माना जाएगा, ठीक है। या एक्सप्लेनेशन तीन में ही है, या उसका आशय, उसकी इंटेंशन या उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान वही हो जो दुष्प्रेरक का है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि आशय, इंटेंशन और नॉलेज वो ही हो जो दुष्प्रेरक की है, ठीक है। इसमें चार जो है इलुस्ट्रेशन दिए गए हैं, चार इलुस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो चारों के बारे में ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए कि ए कहता है कि एक व्यक्ति है ए जो एक बच्चे से, बी या तो बच्चा है या पागल है, मान लीजिए बच्चा है या पागल है, ठीक है, इससे कोई भी अपराध कराने के लिए इसको दुष्प्रेरित करता है, ठीक है, दुष्प्रेरित करता है। क्या अपराध कराने के लिए, मान लीजिए वो 7-6 वर्ष का एक बच्चा है और ए इसको दुष्प्रेरित करता है कि सामने इस घर से या इस दुकान से जो है वो मोबाइल चुरा कर ले आओ, मोबाइल चुरा कर ले आओ, ठीक है। तो यहां ये मोबाइल चुरा कर ले आता है, ठीक है, और ए को दे देता है। तो यहां बी ने कोई अपराध नहीं किया, 82 IPC के तहत इसको अपवाद माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन ए जो है यहां चोरी का दोषी होगा। तो जो इलस्ट्रेशन ए है वो इसी तरह का है कि विधिक रूप से, जबकि बच्चा जो है वो विधिक रूप से समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है अपराध करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वह छूट जाए, लेकिन जिसने दुष्प्रेरण किया है उसको अपराधी माना जाएगा। अब बी देखते हैं, बी है कि एक ए व्यक्ति जो बी जो 6 वर्ष का है यानी 7 वर्ष से कम आयु का है, सी की हत्या के लिए उकसाता है और यहां ये बी जो है सी की हत्या कर देता है। तो बी ने यहां कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो कैपेबल नहीं है किसी भी अपराध को करने के लिए, लेकिन ए जो है ए यहां हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी होगा, ठीक है, दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इलस्ट्रेशन जो बी है इसका ये कहता है,
और सेम सी सी भी ऐसा ही है। सी जो इलस्ट्रेशन है उसमें एक व्यक्ति है ए जो बी जो कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है और उस टाइम ये नहीं जज कर पाता, ये नहीं देख पाता कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये विधिक रूप से ठीक है या सही है, या मैं कुछ अनैतिक कार्य कर रहा हूं या कोई ऑफेंस कर रहा हूं, और वो घर में एक एक कहने पर एक एक दुष्प्रेरण के कारण किसी घर में आग लगा देता है, तो यहाँ ए दोषी होगा लेकिन बी यहाँ दोषी नहीं होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसका डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। इसमें ए जो है, ए एक व्यक्ति है जो बी को विश्वास दिलाता है कि ये जो सामने संपत्ति है ये मेरी है, जबकि वह उसकी नहीं है, जबकि वह उसकी नहीं है। इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे एक दुकान है, सामने एक दुकान है, मोबाइल की दुकान है, फोन की दुकान है, जिस पर मोबाइल रखे हुए हैं काउंटर पर, उस दुकान पर उस टाइम कोई नहीं है, लेकिन उस दुकान के सामने एक गाड़ी है, गाड़ी में एक आदमी बैठा है, वहीं से एक दूसरा आदमी गुजरता है बी, तो ए उसको कहता है कि एक बार ये काउंटर से मोबाइल प्लीज दे दीजिए आप मुझे, ये मेरी ही दुकान है, और वो आदमी वहां से मोबाइल उठाकर ए को गाड़ी में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ बी की बेईमानी की नियत नहीं थी, बेईमानी की नियत नहीं थी, तो इसलिए बी के द्वारा चोरी का अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन ए जो है चोरी के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, अबेटमेंट फॉर थेफ्ट माना जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो तीन है, इसमें जो चार इलस्ट्रेशन है वो हमने देखे, एक्सप्लेनेशन फोर देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन फोर कहता है कि दुष्प्रेरण